मैं आपका दोस्त रोहित बिसाइया और आप देख रहे हैं ग्वाइन टाइम्स। रूही रूही रूही, देश भर में रूही का खौफ मंडराता हुआ नजर आ रहा है जी। आज 11 मार्च है और रूही सिनेमाघरों में लग चुकी है, जिसको लेकर आ रहे हैं राजकुमार राव, जाह्नवी कपूर और वरुण शर्मा जी। हम बात कर रहे हैं रूही की। कोरोना के बाद सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर जो सिनेमाघरों में आज लग चुकी है रूही, और अभी थोड़ी देर ही पहले फिल्म के लीड एक्टर राजकुमार राव यहां पर मौजूद थे। उन्होंने टिकट काउंटर पर लोगों को टिकट परचेस की और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है रूही का। आज 11 मार्च को राजकुमार राव, वरुण शर्मा और जाह्नवी कपूर की फिल्म रूही थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। फिल्म के मेकर्स ने इस फिल्म को इसे स्त्री से शुरू हुई हॉरर वर्ल्ड की अगली कड़ी बताया था, जिसके बाद इस फिल्म से लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ जाती है। कहानी की शुरुआत छोटे से शहर भगतपुर से होती है, जहां भावरा राजकुमार राव और कटानी वरुण शर्मा नाम के दो लड़के रहते हैं। इस शहर में पकड़े ब्याह दुल्हन को अगवा कर जबरदस्ती शादी का जबरदस्त चलन है और ये दोनों लड़के भी यही काम करते हैं। ये दुल्हनों को अगवी करके उनकी शादियां करवाते हैं। इस कहानी तह ट्विस्ट आता है जब ये लोग रूही जाह्नवी कपूर नाम की लड़की को अगवा कर लेते हैं, जिसके अंदर अपजा नाम की एक आत्मा होती है। एक ओर जहां रूही से भावरा को प्यार हो जाता है, तो वहीं दूसरा तरफ अपजा पर कटानी का दिल आ जाता है। इसी के इर्द गिर्द पूरी कहानी को बनाया गया है। कहानी में आगे क्या होता है और फिल्म में क्या सस्पेंस है, इसे जानने के लिए आपको सिनेमा घरों का रुख करना होगा। रूही एक मजेदार कॉमेडी फिल्म है। इस फिल्म में आपको मनोरंजन का जबरदस्त डोज मिलेगा। राजकुमार राव और वरुण शर्मा दोनों की ही कॉमिक टाइमिंग आपको हंसने पर मजबूर कर देंगी। आपको इन दोनों की मजेदार पंच लाइनें हंसने पर मजबूर कर देंगी। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी मजेदार है। इस फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिया जा सकता है। मूवी तो काफी अच्छी थी एंड राजकुमार राव और वरुण शर्मा काफी अच्छे हैं, बट आई थिंक जाह्नवी कपूर को थोड़ा सा काम करने की जरूरत है एक्टिंग पे। अच्छा, और आपको थोड़ा डर लगा मूवी देखते हुए? मेरे को थोड़ा सा लगा, ये पीछे छुपने लग गया था मेरे। अच्छा, तो आपको कॉमेडी कैसी लगी? बहुत कॉमेडी अच्छी है, उन्होंने अच्छा एक्सेंट वैक्सेंट भी मारा है रूरल एरिया का। अच्छा, और आपको कैसा ये आगे कैसा लगा थिएटर में वापस से? काफी अच्छा लगा इतने टाइम के बाद, और मेरे को तो स्पेशली बॉलीवुड से इतना अटैचमेंट है तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैम आपको? एक्चुअली एक बार हम लास्ट मंथ पहले भी इनॉग्रेट कर चुके हैं, सो व्हेन वी केम टू द थिएटर कोई भी नहीं था, हमने एक तरीके से पूरे थिएटर में राज करके और अभी बर्थडे सेलिब्रेट किया था। अभी शोर शराबा हो रहा है, वो लोग सीटियां मार रहे हैं, तो उसमें तो ज्यादा फील आता है, बहुत अच्छी फील आ रही है। बट आई थिंक बाकी अच्छा कॉन्सेप्ट है, कैरेक्टर बहुत एंजॉय किया है, सच के पागल हो गए थे। इस मूड का कैरेक्टर वैसे अच्छा है बहुत। अच्छा, दिल्ली से रोहित बिसाइया की रिपोर्ट।